देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। कई जगह भूस्खलन की घटना भी सामने आई है। मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के 11 जिलों में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे मालदीव से एक निजी जेट से प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीलंका के डेली मिरर के हवाले से ये रिपोर्ट आई है। गोतबाया बुधवार तड़के 3 बजे निजी जेट से मालदीव पहुंच गए थे, लेकिन लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच उन्हें यहां शरण नहीं मिली। अब वो मालदीव छोड़ रहे हैं, लेकिन किस देश जा रहे हैं अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। आज इसराइल में I2U2 समूह की बैठक होनी है। I2U2 समूह में भारत, इसराइल, UAE और अमेरिका शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में वर्चुअली रूप से शामिल होंगे। पूर्व इजरायली NSA मेजर जनरल याकोव अमिद्रोर ने फोरम की पहली उच्च स्तरीय बैठक से पहले कहा कि नए I2U2 समूह का गठन एक ऐसा अहम विकास है जहां भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज से विधिवत कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर की पैड़ी से लेकर कांवड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और CCTV कैमरों की निगरानी रहेगी। कांवड़ियों की वेशभूषा में भीड़ में रहकर पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं संभालेंगे। शरारती तत्वों की ओर से किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 10% ही रहेगी। चुनाव सुधार के लिए कार्यरत संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक होने वाले मतदान के लिए कुल 4,759 सांसद और विधायक पात्र हैं, जिनमें से 477 ही महिलाएं हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सख्ती करने की तैयारी में है। पिछले काफी समय से देश की राजधानी और पड़ोसी जिले प्रदूषण से जूझ रहे हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए CAQM ने केंद्र की 2017 में लागू की गई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को नया रूप देने का विचार किया है। बड़े अस्पतालों की तरह अब गाँव और कस्बा क्षेत्र में भी मरीजों को इलाज मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था में सुधार शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत डॉक्टरों के मार्गदर्शन से हो रही है। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने डॉक्टरों के लिए नए उपचार नियम जारी किए हैं, जिनमें मरीज की बीमारी पकड़ने से लेकर उसकी जाँच, उपचार और देखभाल तक के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी मौजूद है। झारखंड के जामताड़ा जिले के 40 स्कूलों ने बुधवार को लिखित शपथ पत्र दिया कि अब वो दोबारा शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश मनाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अभय शंकर ने बताया कि इन प्राथमिक विद्यालयों को तालाबंदी के दौरान रविवार की जगह शुक्रवार को अपना साप्ताहिक अवकाश बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दुनिया भर में आर्थिक मंदी आने की चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 3 महीने में सबसे सस्ता होकर $100 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया। अन्य वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सबसे बड़े तेल आयातक चीन में सख्त पाबंदियों और दुनिया भर में मांग घटने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपनी पश्चिम एशिया की यात्रा के पहले पड़ाव में बुधवार को इसराइल पहुंचे। बाइडन तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरे। यहां उन्होंने कहा कि आपको जीवनवादी होने के लिए यहूदी होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि दोस्तों के साथ खड़ा होना और स्वतंत्र यहूदी राज्य इसराइल का दौरा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बाइडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और सहयोगियों द्वारा मारे गए 60 लाख यहूदियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इसराइल के राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का दौरा किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।